नमस्कार, कैसे हैं? देखो आगे जी भोपाल जी हमारे, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है प्रसाद। बोलिए बोलिए, क्या बोला? उत्तराखंड की रंगीली और रसीली जो आज की हमारी लोक परंपराएं हैं, लोक विधा हैं। और सबसे पहले आप भाइयों के जितने भी चैनल से जो आगे दर्शक है, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हम लोग आज 27 अप्रैल को और करीब शाम 6 बजे का टाइम हो रहा है, और इधर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। भगवान बद्री विशाल की कृपा से ये कार्यक्रम सफल हो, हमारे भाइयों की जो मन मांगी मुरादे हो पूरी हो, और उत्तराखंड की बोली भाषा रीति रिवाज, उत्तराखंड के खान पान परिधान के साथ आज का ये भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम लोधी कॉलोनी में दिल्ली में होने जा रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग उत्तराखंड की बोली भाषा से जुड़े रहें, और आने वाले टाइम में अपने बच्चों को भी इस रीति रिवाज, अपनी बोली भाषा, हमारे खान पान, हमारे परिधान जो है उसके प्रति हम भी जागरूक तो हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी जागरूक करें। और इस कार्यक्रम की सफल कार्यक्रम जो हमारा आज होने जा रहा है, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, जय उत्तराखंड। किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉल भी लगा रखे हैं और क्या क्या चीज अपडेट है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बुरास के फूल का जूस लगा रखा है, अभी और भी चीज एक्टिविटीज होंगे, अभी बन रहे हैं यहाँ पे थोड़ा धीमे करके, तो देवभूमि के दर्शन यहाँ हो रहे हैं। तो उत्तराखंड का बाजार, ये भाई साहब का उत्तराखंड का बाजार है जो अभी लगा रहे हैं, देखते हैं पूरा कैप्चर करेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर अभी लोग दुकान लगी नहीं, लेकिन लोगों का सामान लेना चालू हो गया यहाँ पर, यही तो चाहिए यार, दुकान लगे नहीं, लूटने वाले पहले आ जाए। तो इसी तरह देवभूमि में जो दर्शन, इसमें धूप है बहुत शानदार देने वाले, जो हमारे उत्तराखंड की प्रकृति से बनी हुई है, जैसे गोबर से या और भी पदार्थ से बनी है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आज हमारे भैया देंगे, अभी बात करेंगे इनसे, क्योंकि स्टॉल लग जाएगा तब इसके बाद बात करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उत्तराखंड की टोपी में, क्या नाम है भाई तुम्हारा? यश, क्या बता रहा है आपका? मायरा। मायरा क्या करने वाले यहाँ पर आज? ऐसी देखने आई थी। आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड किस जगह पे? हल्द्वानी। हल्द्वानी में सबसे मशहूर क्या चीज है बेटा? पहाड़ मशहूर है कि नहीं है? तो आपका नाम क्या बेटा? शिवम। शिवम क्या करना है यहाँ पे? क्या करने वाले यहाँ पर आज? डांस भी करोगे? नहीं करोगे? क्यों यार ऐसे कैसे? तो यहाँ कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो आए हुए हैं, और आज यहाँ पे स्टॉल लगे, उसका पूरा कैप्चर करेंगे, इनसे बातें भी करेंगे किस प्रकार से। और काफी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है जो उत्तराखंड का आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है लोधी कॉलोनी के अंदर है। ये वो हमारी टीम है जो बहुत शानदार मदद है, और ये पहुंच चुके हैं मीनाक्षी में। तमाम हमारे धरोहर की विरासत के अपने युवा पीढ़ियों तक पहुँचाने लगी।
आप सभी संस्था कार्यकर्ता अध्यक्ष साहब की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ और नमन के बात है, साधुवाद की बात है। उत्तराखंड में बच्चे भी लगे पड़े हैं और यहाँ पर कुछ माता मेरे लगी पड़े हैं, किस प्रकार से और क्या क्या एक्टिविटीज हैं और क्या क्या मेरे यहाँ पर देखते हैं। और छोटा भी बैठे हैं और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लकी लोगों का हिसाब कर रहे हैं, यहाँ पर पर्ची शायद बना रहे हैं। किसकी बहन है? देवदेली पिछोड़। अच्छा, कहाँ का प्रोग्राम हो रहा है बताइए? ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है बताइए? अच्छा, उत्तराखंड बाजार। अच्छा, उत्तराखंड बाजार में आए हैं। उत्तराखंड बाजार में आए हमारे भाई। ये उत्तराखंड बाजार दिल्ली में गए तो खुल गया आज? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया याद है। आप लोग ऐसी उत्तराखंड की चीजें की दूर दूर तक पहुँचाए, यहाँ तक विदेश तक पहुँचाए है ना, ये तो अभी वहाँ पहुँचा, विदेश तक भी पहुँच चुके हैं। ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है। और यहाँ देख रहे शानदार चीजें यहाँ इन्होंने लगा रखी है और जिस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पे बुरास का फूल का जूस भी मिला जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं बुरास का फूल है। ये कैची भाई उत्तराखंड बाजार है, दिल्ली एनसीआर में फ्री होम डिलीवरी। अच्छा, कहे तो भट रया जख्या मुंगरी और पहाड़ी शहद पहाड़ी बुरास और ये पहाड़ी नथ है। ये कहाँ से मिलेंगे अगर दिल्ली में? अगर कल को ये खंड से आता है सब। अच्छा, ये बताइए कल को ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद कहाँ मिलेगा? फ्री होम डिलीवरी तो उत्तराखंड के बाजार में आप देखते हैं। कार्ड दे दीजिए, कार्ड तो हमसे कार्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं किस प्रकार से होना है तो अपडेट करेंगे। और यहाँ पूरा फूल दे रहे हैं, छोटू दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? नहीं नाम बता। देखिए हमने ये ले लिया कार्ड, उसको अपडेट कर लिया है, इसमें देखिए और चलते हैं किस प्रकार हो रहा है और दिखाते हैं एक्टिविटीज और सारी यहाँ पर उत्तराखंड के लोग। श्री कमल इंडिया जी, श्री रमन मधवाल जी, तो ये इन लोगों की जो मेहनत है और पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई है। और किसका बर्थडे यहाँ पर बताएंगे? और किसका अभी बर्थडे किसका भी आज? अरे भाई क्या बात है, आज तो मसूर मसूर लोग यहाँ पर नजर रहे हैं। आज हमारे आपको बहुत जानने की बहुत बहुत बधाई है और आपको भी आज जिसका भी बर्थडे सबको बधाई है मेरी तरफ से, क्योंकि कोई पता नहीं और अच्छी बात है ऐसी लोग जुड़े रहे और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारी उत्तराखंड की संस्कृति नजर आ रही है और साथ में बच्चों प्रसिद्ध कलाकार तो नजर ही आ रहे हैं और साथ में हमारे ये युवा कलाकार भी हैं और अच्छा लगता है। और इनके जो मैन है वो सामने से वीडियो बना रहे, देखिए देखिए वीडियो बनाते रहते हैं इनकी है, तो प्रमोट कर रहे हैं। तो दीप चंद्र भाई यहाँ पर आए, तो दीप चंद्र भाई क्या कह रहे हैं आज के बारे में? बस हर बार जॉगिंग परफॉर्मेंस हुई हमें यहाँ पर हम लोग सब टीम है और हमारे लोग हरियाला जी है, उनका जन्मदिन था लेकिन मतदान करा फिर उसके बाद उन्होंने जन्म करा। तो यहाँ बिशन जी हरियाला जी के बारे में बताया भैया ने, काफी अच्छी यहाँ पर है। और नीरज कुमार जी भी आ गए यहाँ पर, क्या बात है आज ये सब कुछ लोग ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, तो आज मजा आता है इसी तरह से उत्तराखंड के सारे उत्तराखंड के वासी ऐसे मिलते रहने चाहिए और अच्छा लगता है इसी प्रकार से आप लोग जुड़ते हैं, एक आनंद में माहौल बन जाता है जब ये सभी आते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सभी लोगों का बहुत सपोर्ट यहाँ पर उत्तराखंड के निकले पाएंगे तो है। वैसे भी बहुत दूर दूर के प्राण मारते हैं दिल्ली के आवाज छोड़ दिए उन्होंने, कभी चंडीगढ़ मार रहे हैं, कभी गाँव मार रहे हैं, तो यार चलिए इस प्रकार दोस्तों वो देख रहे हैं। यह है नंदा जी का टोला जो सजा हुआ है, हमारे दीप चंद्रा जी भैया ने सजा के रखा हुआ है और ये बहुत बेहतरीन डोला है जो कहते हैं माता देवी का डोला यहाँ रखा हुआ है। और मैं थोड़ा शूट करने आया हूँ यहाँ पर और आपको दिखा दो किस प्रकार से यहाँ डोले की तैयारी कर चुके हैं हमारे दीप चंद्रा भैया। और ये माता का यहाँ निवास इसके अंदर है, काफी बेहतरीन है और मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ इसको, इसलिए दिखा रहा हूँ। जब यहाँ से डोला जाएगा तब और भी बेहतरीन होगा, बहुत शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ माता का दरबार जो है पूरा सजा पड़ा है और चलिए ज्यादा बातें नहीं करते चलते हैं और जिस जगह प्रोग्राम हो रहा है जगह पहुंचते हैं और किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने दिखाई है और ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए उस प्रोग्राम को अभी एक्टिवेट करते हैं और चलो चलते हैं। सिल्वर का लोगों की ऊंची तेरा हाथ आता है, मैं कर रहा हूँ ठीक ऊंची।
अतिथि देवभाव, अतिथियों का मान और सम्मान बहुत जरूरी होता है और काफी लोग हमारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भोली बाबा कंस से नहीं महाराज, एक बार जोरदार ये बात अब मजा है। और तो उनको मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके स्वागत के लिए मैं उनके स्वागत के लिए मंच में आमंत्रित ढेडियाल जी को अगर कहीं भी आते हैं तो उनका स्वागत है। और ये आपकी तालियों की कंजूसी अगर होती है तो मजा नहीं आता। और भूखे देखे भी Oh, no!
साज को देखने का एक मजा अलग ही मजा है यहाँ पर, तो इस प्रकार से साज बजाते भी नजर आ रहे हैं। हल्का हल्का कर दिया है, तो सही लग रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। मुखड़े आ रहा हो, सब आ रहा हो, तो एक देखिए किस प्रकार से हमारे जो संस्कृति को कर रहे हैं। और यहाँ हाँ गा दो, गा दो गीत, लगा दो गा दो गीत, गा दो वह गो दो गीत, गा दो तुम बताया जा सर को काफी परफेक्ट आता बजाना, काफी अच्छा आ रहा है।